रात क्लास चल रहा था, 15/11/1967 बुधवार को छठी पीज की मध्यांत में बात चल रही थी कि दिन में यहां रहते भी कहां मधुबन में रहते भी हो, घड़ी घड़ी अगर भूल जाते हो तो क्या करो, घड़ी घड़ी आकर के यहां बैठो, बैठ जाओ है? अंदर में सोचो, बाबा हमको ये बनाए रहे हैं, बाबा हमको ये बनाए रहे हैं। क्या बनाए रहे हैं? ये माने क्या बनाए रहे हैं? देवता बनाए रहे हैं। अच्छा, और देवता तो वहां स्वर्ग में सारे ही होंगे, कल बताया। पाई पैसे का भी ज्ञान सुनेंगे ना तो भी फोर्थ क्लास प्रजा में तो आवेंगे ना, तो नहीं होंगे देवता, नहीं होंगे है? हाँ, ओ देवता नहीं, जो कलयुग के अंत तक देवता धर्म की आत्माएं आती रहती हैं 33 करोड़, वो नहीं, उनमें भी जो 8-10 करोड़ वाले हैं उनकी बात बताई कि बाबा हमको ये बनाए रहे हैं। बाबा माना मनमाना भगवान, बाबा माने क्या? मेरे मन में समा जाए तो कौन कहता है मेरे मन में समा जाए? तेरा वाला कहता साकार कहता है मेरे मन में समा जाए। अरे साकार में जो प्रवेश है निराकार, वो कहता है कि मेरे मन, जब प्रवेश कर गया तो उसका मन हुआ, उसका दिल हुआ या नहीं हुआ? तो कहता है मेरे दिल में मन मना भव, मेरे मन में समा जाए। और ये बनाए रहे हैं माना मध्याजी भव। क्या बनाए रहे हैं है? क्या बनाए रहे हैं? ये माने ये कौन है? ये लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा करके, ये कौन है? देवता। तो ये बनाए रहे हैं, तो कैसे बनते हैं ये? मध्याजी भव है, मेरे लिए यजन करने वाला। यजन माने सेवा, स्वाहा स्वाहा नहीं मुंह से बोलना। वो क्या करते हैं भक्ति मार्ग, स्वाहा स्वाहा ढेरों गाय का बढ़िया बढ़िया घी उड़ेल देते हैं, गरीबों को बिचारों को खाने को नहीं मिलता, वो आग में जलाई देते हैं। बाप कहते हैं वो स्वाहा स्वाहा की सेवा नहीं, असली सेवा क्या है? स्व हा, स्व माने आत्मा, हा माने आत्मा का जो तन है, धन है, है मन है, ये मन के संकल्प भी और तन की इंद्रियों का सुख भी और तन के जो संबंधी हैं उनकी ताकत भी सारी स्वाहा। तो ऐसे मध्याजी भव, पहले मनमना भव, फिर जब मनमना भव हो गई, मेरे को दिल ही दे दिया, आहा, जिसे के ऊपर दिल आ जाता है फिर तो उसे के लिए जान मारी करते हैं। अरे तू मेरे को जो अच्छा लगता है उसे सारा तू ले ले, हाँ दिल आ गया ना। हाँ तो बताया, तो देखो यहां भी नहीं आएंगे,
क्योंकि माया है ना, नहीं आने देती है, है? यहां भी नहीं आएंगे, माया नहीं आने देती, क्यों? क्योंकि माया रूपिणी है जो है ना, वो तो अनेक रूप धारण करती है, स्त्री का रूप भी धारण करती है, पुरुष का रूप भी धारण करती है, कन्या का रूप भी धारण करती है, कुमारों का रूप भी धारण करती है। ये माया है ना, ये माया नाक से पकड़ करके यहां बैठने ही नहीं देगी। मुसीबत क्या, ऐसे नाक पकड़ती है जैसे बहुत लंबी नाक हो गणेश जी की, आराम से पकड़ने में आ जाती हो दोनों हाथों से, नाक से पकड़ करके यहां बैठने ही नहीं देगी। यहां मैंने कहा बाबा के पास बैठने ही नहीं देगी, या उठाए करके बाहर में ले जाएगी। क्या, कहां ले जाएगी? बाहर। बाहर में क्यों है? जहां बार बार दिल जा रही होगी ना, वहां उठा के ले जाएगी। माया ऐसी प्रबल है, माने प्रकष्ठ, बल माने बलवानी, ऐसी जबरदस्त बलवान है, है? कैसी जबरदस्त? ऐसी माने कैसी है? अरे कैसी, जो हाँ भगवान बाप से भी अलग कराए देती है। नहीं तो बिल्कुल सहज बात है ना बच्चे, यहां आकर के बैठ जाओ है? नहीं तो, नहीं तो माने क्या है? ये जो माया से प्रभावित मन के संकल्प नहीं होने चाहिए। अगर माया से प्रभावित हुए तो कोई न कोई बात आ जाएगी, दूर ले जाएगी। तो यहां आकर के बैठो, क्या माया से अप्रभावित होकर के यहां आकर के बैठो, और इस सीढ़ी के ऊपर आकर के बैठो सामने। क्या, इस सीढ़ी के ऊपर आकर के बैठो सामने। क्या है सीढ़ी में है? अरे सीढ़ी में क्या है? अरे 84 जनों की 84 सीढ़ियां हैं। तो बुद्धि में आएगा हमने 84 जन्म लिया है, हैं? अभी हम फिर जाकर के वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वो माने कौन से? वो लक्ष्मी नारायण जब बाबा के पैसे पास ही रखे हुए हैं तो वो क्यों कह दिया? वो माने क्या? वो माने दूर या नजदीक? दूर। तो कमकलों वाले नारायण है ना, कितने? हा कम, एक है आदि नारायण है सूर्यवंशी, और वो भी फर्स्ट क्लास, और बाकी जो 8 हैं वो तो उतरती कला वाले हैं ना। हाँ तो बताया, अभी हम फिर जा करके वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वो बुद्धि में आएगा, क्यों नीचा क्यों बुद्धि में आएगा है? अरे जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसा ही तो बुद्धि में आएगा ना, वो बनते हैं। कौन बनाते हैं? बनते तो हैं, चलो पहले नंबर के फर्स्ट क्लास, दूसरे नंबर के सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास है नारायण तो है ना। सतयुग में 9 नारायण, 9 नाथ द्वारे गए हुए कहते हैं ना। हा तो बताया, बनाते कौन हैं ये नंबर वार 1 से लेकर के 9? अब ये सोचना पड़ेगा। 15/11/1967 की प्रातः क्लास का 7वां पी बुधवार, कौन बनाते हैं है? अरे कोई जवाब आया कि नहीं आया?
अरे बाप बनाते हैं। कौन बनाते हैं? बाप। अरे कौन से दुनिया में सारे बाप हो गए, लौकिक दुनिया में जन्म जन्मांतर के बाप हो गए, फिर उनके वो जिस जिस धर्म के जो बाप हैं उनके धर्म पिताएं बाप हो गए, उन धर्म पिताओं का भी बाप आदम, वो सब धर्म पिताओं का सारी दुनिया का बाप हो गया मनुष्य मात्र का है, तो कौन सा बाप बनाते हैं? अरे इतनी देर लगाते, कौन सा बाप बनाते हैं? अरे बाबा कहते सोच समझना भी बहुत बिल्कुल सहज है कि कौन सा बाप बनाते हैं, परंतु इतनी ताकत नहीं है, किसी की भी इतनी ताकत नहीं है जो वहां बैठ कर बैठ सके। कहां? वहां माने कहां? अरे वहां माने कहां बैठ सके? अरे अभी अभी तो बताया, अभी अभी भूल गए हैं? बाबा के सामने की बात हो रही थी कि सीढ़ी की बात हो रही थी? तेरे की है? और सीढ़ी में भी 84 जन्म, नीचे की सीढ़ी से लेकर के मध्यम सीढ़ियों से होते हुए ऊपर तक की सीढ़ी, तो इतनी किसी की ताकत नहीं है जो वहां बैठ सके। माने वहां क्यों कह दिया, दूर क्यों कर दिया? अरे ब्रह्मा बाबा कहां बैठे हैं सीढ़ी में? सीढ़ी में ब्रह्मा बाबा नीचे बैठे हैं या ऊपर बैठे हैं? है ब्रह्मा बाबा तो नीचे बैठे हैं, तो वहां कहां के लिए बोला है? ऊपर माने कहां? ऊपर माने है, हा ऊपर माना कलातीत, कलातीत में नारायण होता है। अरे वहां तो विष्णु होता है, नारायण कहां होता है? है अरे नारायण होगा तो उसकी नजर कहां जाएगी? है नारायण होगा तो नारायण नारायण के ऊपर नजर जाएगी। हाँ तो विष्णु की नजर कहीं जाती है क्या? देखो संगम युग में विष्णु लोक होता है या सतयुग में विष्णु लोक होता है? 16 कला संपूर्ण सतयुग में नहीं तो बताया, तो इतनी किसी की ताकत नहीं है जो वहां जा करके बैठ सके। वहां माने कहां है? हाँ जो सीढ़ी की आखिरी सीढ़ी है ना, 84वें जन्म की, जहां हाँ, जहां माया बैठने नहीं देगी। हाँ, वहां माया बैठने नहीं देगी, कहां नहीं बैठने देगी है? अरे माया ने क्या ठान रखी? अरे माया भी तो नंबर बार माया रूप धारणी है ना, कोई अव्वल नंबर, कोई सेकंड नंबर, कोई थर्ड नंबर, नंबर ढेर सारी नंबर, माया की भुजाएं ढेर सारी है। तो बताया माया बैठने, तो अव्वल नंबर की बात पकड़ लो, अव्वल नंबर माया जो है वो पहले अपना नंबर लेगी कि दूसरों का नंबर देगी? चाहे बीज रूप हो चाहे आधार मूर्त, आधार मूर्त को तो समझ लिया ना, वो कहां बैठेगी? उसने क्या ठान लिए कि ब्रह्मा बाबा की अगर गद्दी लूंगी तो मैं लूंगी, ब्रह्मा बाबा की पहले पहले गद्दी मेरे अलावा और किसी को मैं लेने ही नहीं दूंगी, पक्की बात है? हाँ ऐसे ही बीज रूप आत्मा जो उस माया की बीज रूप है ना, रुद्राक्ष का मण का होगा। हाँ उसे क्या कि उसने क्या ठान ली कि अगर हाँ, पहले पहले मैं गले पड़ूंगी जाके लटकूंगी तो मैं लटकूंगी जाके हाँ? और भरी सभा में मैं किसी को पहले ब्रह्मा बाबा के गले में लटकने ही नहीं दूंगी हाँ? जाते जाते क्या करूंगी, पहले ब्रह्मा बाबा के गले में लटक जाऊंगी। अच्छा वो तो हो गई कहां की बात हाँ? वो तो हो गई ओम मंडली की बात। फिर मध्य में
मध्य में जब एडवांस पार्टी शुरू होती है बीज रूप आत्माओं की, रुद्रमाला के मणकों की, तो सबसे पहले नंबर कौन ले ली? हाँ, हाँ वो ही यमुना बेटी, कहते हैं सूर्य की बच्ची थी। क्या? सूर्य की बेटी, सूर्य की पुत्री यमुना, काली नदी थी ना। हाँ, काले कर्म करने वाली, तो ठीक है, वो बैठने ही नहीं देगी। किसी की हिम्मत नहीं, ताकत नहीं जो वहां किसी को बैठने दे। चाहे बीज रूप माता ने जिसको ठान लिया कि इसके पास नहीं बैठने दूंगी, पहले मैं बैठूं, और चाहे आधार मूर्त माने जड़ों के रूप में हो, वो ने भी ठान ली, मैं जो मुख्य जड़ है ना, दादा लेखराज ब्रह्मा, उसकी गद्दी के ऊपर मैं बैठूंगी, उसके अलावा और किसी को बैठने नहीं। कोई न कोई बात के ऊपर, कोई न कुछ वो उठा करके यहां से ले ही जाएगी। क्या इतनी पावरफुल है? कौन ज्यादा पावरफुल, कौन सी, बीज रूप या आधार जड़मूर्त? बीज रूप, उसकी यादगार है कोई है? यादगार नहीं मालूम? अरे कितनी बार यादगार, मंदिर है ना कोसा, हाँ योग माया मंदिर है। हाँ, एडवांस पार्टी जब निकलती है तो सबसे पहले वो योग माया मंदिर वाली निकलती है, महारौला मचाए देती है, कहाँ, दिल्ली राजधानी। तो बताया, वो और किसी को नहीं बैठने देती बाबा के पास, वो खुद बैठती। तो ये तो चित्र तो ऐसे रखे हैं जो कोई भी बैठ जावे यहां, हाँ बिल्कुल सीधा है। अच्छा, यहां संगम पर आ करके बैठ जाओ। कहां कहां संगम पर आकर बैठ जाओ? अरे सीढ़ी की बात हो रही है, तो कहां, कान खुजला रहे, बताते नहीं, लिख के जल्दी से। अरे बताओ भाई, झंझट में पड़ गए, कहां लिखे, नीचे लिखे, ऊपर लिखे, बीच में लिखे। अरे भाई संगम युग नीचे भी है तो ऊपर भी है, तो कहां जाके बैठ जाओ है? यहां संगम पर आकर बैठ जाओ। यहां माने कहां? अरे संगम कहां कहां है? सतयुग के आदि में संगम है कि नहीं, और कलयुग के अंत में संगम है कि नहीं, तो कहां बैठ जाओ? सीढ़ी में ऊपर भी संगम युग है और नीचे भी संगम। ऊपर है पुरुषोत्तम संगम युग, बढ़िया वाला, और जहां पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष होते हैं, और नीचे है सिर्फ संगम युग, तो कहां आकर बैठ जाओ? बाबा ने कहां बोला होगा, ब्रह्मा बाबा ने बोला होगा या शिव बाप ने, शिव बाबा ने बोला होगा, किसने बोला होगा, डायरेक्शन किसने दिया, यहां आकर के बैठ जाओ? जाओ माने डायरेक्शन दिया ना, बाबा कहां बैठने का डायरेक्शन देंगे, ऊंचते ऊंच लक्ष्य देंगे या नीचे से नीचे लक्ष्य देंगे? शिव बाबा के ऊपर जाके बैठ जाओ। अरे ये तो शिव बाबा के ऊपर बैठाई दिया, हा गंगा जी बन जाओ है? शिव बाबा के ऊपर बैठेंगे तो गंगा जी बनेंगे, नहीं तो आठ जो अष्ट मूर्तियां शिव की दिखाई जाती हैं, अष्ट देव, वो बनेंगे, तो वो बनेंगे, वहां बैठ जाओ है? यहां संगम पर आकर बैठ जाओ, माना एकदम ऊंची सीढ़ी जहां है वहां जाकर के बैठ जाओ। ऐसे नहीं सोचो, अरे एकदम ऊपर जाकर के बैठ जाए है, वो साकार बाबा निराकार बाबा, ओ एकदम सर के ऊपर कहीं बैठा जाता है क्या? अरे नहीं, जो प्यारा बच्चा होता है उसको बाप क्या करते हैं, एकदम सर के ऊपर चढ़ा लेते हैं, मारे प्यार के चढ़ाते ही नहीं। हाँ, तो ये जो आठ बच्चे हैं ना,
वो बहुत प्यारे हैं कि नहीं? हाँ, ये शिव बाबा के बहुत प्यारे बच्चे। तो कहां जाके बैठ जाओ? एकदम सीढ़ी में ऊपर जाके बैठ जाओ। सोचो नहीं कि हम वो आठ के नंबर में पहले नंबर में जाएंगे कि लास्ट नंबर। अब जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसे नंबर में जाएंगे। बैठ जाओ, वहां ही सामने बैठ करके देखते रहो। हाँ, लास्ट सीढ़ी में क्या देखते रहो? ये ख्यालात करते रहो कि उस तरफ में है आसुरी संप्रदाय। किस तरफ में? अरे सीढ़ी में ऊपर जाके बैठ गए ऊंची स्टेज में है, 84 जन्मों की 84 सीढ़ियों में से पहले नंबर की सीढ़ी में जाके एकदम ऊपर बैठ गए। तो उस तरफ माने कौन से संप्रदाय? आसुरी संप्रदाय। उस तरफ माने किस तरफ है? उस तरफ है आसुरी संप्रदाय। किस तरफ है? द्वापर में। द्वापर में कोई ब्राह्मण होते हैं? अरे नीचे जहां पुरुषों जहां संगम युग शुरू होता है 100 साल का, 50 साल कलयुग का, 50 साल सतयुग के आदि का, तो नीचे जहां बैठे हुए ब्रह्मा कुमार कुमारी बैठे कि नहीं? तो वो आसुरी संप्रदाय हुए या दैवी संप्रदाय हुए? क्या हुए है? वो हुए आसुरी संप्रदाय। तो उस तरफ में है आसुरी संप्रदाय और हम इस तरफ ऊपर बैठे हुए हैं, यहां है कौन? दैवी संप्रदाय। तो इस तरफ में है दैवी है और अभी हम इस तरफ में जहां दैवी संप्रदाय हैं, अभी हम वहां पहुंचे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम बीच में पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुष माने पुरु माने शरीर, रिपी पुरी शरीर, रूपी पुरी में शयन करने वाले, आराम करने वाले। तो शरीर रूपी पुरी में क्या देवताएं ही आराम करते हैं? वो देवताएं जब षष्ठी रूपी वृक्ष में, उनमें कुछ ऐसे भी तो हैं ये एकदम बीच की तने में एकदम ऊंची स्टेज में ही जाते हैं कि दाई बाई ओर के धर्म में कन्वर्ट होते हैं दुखी होने के लिए है। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयाव। अपने धर्म में पक्के होके रहेंगे। है क्या कर रहे हो? वासी मार रहे, बाबा इतनी बढ़िया बता रहे, बात बता रहे क्या? स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भय। अपने धर्म में पक्का रहना अच्छा है। क्यों? क्योंकि दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो करके दूसरे धर्म की, चाहे दाई ओर की डालियां हो भारतीय, चाहे बाई ओर की विदेशी डालियां हो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि की, उनमें अगर कन्वर्ट हो गए तो वो अपना दास दासी बना के, दास दासी बना, पराधीन बनाएंगे स्वाधीन बनाएंगे पराधीन। और ये तो पक्की बात, पराधीन सपने सुहना। जो पराधीन होते हैं उनको सपने में भी सुख नहीं होते। तो बाप तो हमें है पुरुषोत्तम बनाने आए, पुरुषों में उत्तम। कैसे पुरुषों में? बताया, ऐसी शरीर रूपी पुरी में है रहे भी और उत्तम ते उत्तम दुनिया के अंदर पाठ बजाए। दुनिया वाले वाह वाह कहें, वाह बहुत अच्छा पाठ बजाया। कौन? जैसे द्वापर के आदि में विक्रमादित्य और उनका गुरु हुआ तो अच्छे से अच्छा पाठ बजाया होगा क्या? नीचे पाठ बजाया, क्या समझेगी दुनिया? बढ़िया पाठ बजाया। अच्छा और आगे चलो है, चाणक्य हुआ, चंद्रगुप्त हुआ तो विजय पाई या हर खाई विदेशियों से? विजय पाई। तो क्या कहेंगे? अच्छा पार्ट बजाया, बुरा पार्ट बजाया? हाँ,
अच्छा पार्ट हो जाए। अच्छा चलो मध्य में आ जाओ, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने है उसको जिसने माफी मांगी तो उसको माफ कर दिया है, तो अच्छा काम किया या बुरा काम किया? उसको माफ कर दिया उसने तो अच्छा काम किया, लेकिन उसने फिर धोखा दे दिया। जिसको माफ कर दिया उसने धोखा दे दिया, तो जिसने धोखा दे दिया तो वो नीचे हुआ या ऊंचे हुआ? नीचे हुआ ना है, उसकी आंखें ही फोड़ दी। क्या कर दिया? आंखें फोड़ दी माने अंधा बनाए दिया, कामांध बनाए दिया। देखो तो बाप बताते हैं तुम अभी इस तरफ में दैवी संप्रदाय बन रहे हो है? हाँ, क्या समझेंगे कि हम अभी बीच में पुरुषोत्तम बन रहे हैं, बने नहीं है। बीच में पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, हाँ ऐसे नहीं सतयुग में ही त्रेता में नहीं, द्वापर में भी और कलयुग में भी जो ऊंची जाने वाली तना है षष्ठी रूपी वृक्ष का, उसमें ही उत्तम पार्ट बजाने वाले हैं। यथा राजा तथा, तो ऐसे पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में जो भी उस दुनिया में पुरुष होंगे, चाहे द्वापर में हो चाहे कलयुग में हो, उन पुरुषों के बीच में उत्तम पार्ट बजाने वाले या हार खाने वाले हैं? हाँ, तो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, बाबा हमको पुरुषों में उत्तम बनाए रहे। तुम एक घंटा बैठ जाओ, क्या ऐसी स्थिति में ऐसे शुद्ध संकल्प करते हुए तुम एक घंटा भी बैठ जाओ, एक घंटा बैठो तो तुम्हारा चार्ट कितना अच्छा हो जाएगा है? क्यों कैसे? अरे यहां ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में मनसा सृष्टि रची जा रही है, मानसी सृष्टि रची जा रही है, या तन की सृष्टि देवान की रची जा रही? मनसा सृष्टि रची जा रही। मनसा तो ऊंची चीज है ना, इंद्रियों से भी ऊंची है ना है? जो भ्रष्ट इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, उनसे भी ऊंची मनसा होती है ना। तो तुम्हारा चार्ट कितना अच्छा हो जाएगा? कितना अच्छा कैसे? संकल्पों का चार्ट होगा, अच्छे अच्छे संकल्प चलाएंगे या भ्रष्ट संकल्प चलाएंगे है? यहां आकर के ऊंची स्टेज में, सीढ़ी के ऊंची स्टेज में बैठेंगे तो कितने बढ़िया संकल्प चलेंगे, तुम्हारा चार्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। संकल्पों से शूटिंग हो रही है ना ब्राह्मण की दुनिया में। तो एक घंटा तुम्हारा ये जमा हो जाएगा, किस बात में? ऊंची स्टेज की रिहर्सल करने में तुम्हारा जमा होगा। बाबा राय देते हैं है? पर बाबा कहते हैं है? कि माया तुमको बैठने नहीं देगी। ऐसे ऐसे वो क्या कहते हैं, दुर्वासा वाला सांप दे देते हैं। एक दुर्वासा था ना, वो क्या करता था, जो भी सामने आया और उसने ठीक से उनकी परवरिश नहीं की है, अच्छे से खिलाया पिलाया नहीं, उनका मान सम्मान नहीं किया, और फटाक से क्या कर देता था, अभिशाप दे दे। तो बाबा कहते हैं, माने बाप नहीं कहते हैं। कौन से बाबा? ये बात किसने कही है, माया तुमको बैठने नहीं देगी? बाबा कहते हैं, अपने ऊपर से बात हटा दी, मैं नहीं कहता हूं ऐसी बात कि तुमको बैठने नहीं देगी। बाबा कहते हैं माया तुमको बैठने नहीं देगी, देरी वो बताए देते हैं है, देरी नहीं वरी, वरी वो बताए देते हैं। वो मैं नहीं, कौन वो? वो बाबा बताए देते हैं कि माया तुमको बैठने नहीं दे, वो बताए देते। तुम कोशिश करेंगे वहां
अपना कोशिश करेंगे अपनी कि हम बैठे रहे, थोड़ा ही बैठेंगे है? लेकिन थक जाएंगे, खींचतान होगी ना, उधर माया अपना खींच रही है, बाहर किया बाहर की ओर, और हम हाँ बाबा अपनी तरफ, ये बच्चा हमारे पास बैठा रहे, तो देखो थक जाएंगे, खींचतान में थकान होती कि नहीं। हा अरे जब जो वो हुआ ना, क्या वो सागर मंथन हुआ, एक तरफ से राक्षसों ने खींचा, दूसरी तरफ से देवताओं ने खींचा, तो खींचा तान में जो रस्सा कसी के खेल देखा है? नहीं देखा? हाँ, एक तरफ से रस्सा एक पकड़ के खींचता है और दूसरी तरफ से दूसरी पार्टी खींचती है, कभी वो खींच के ले जाते, तो अपनी अपनी ताकत लगाते हैं ना, इकट्ठे होकर ताकत लगाएंगे तो खींच के ले जाएंगे, और बुद्धि माया ने खींच ली तो फिर खींच जाए, तो ऐसे ही होता है, थक जाएंगे तो फिर उठ के क्या करेंगे, उठ के चले जाएंगे। माने बाबा का कहना है, जहां बैठे हैं, जिसके साथ बैठे हैं, वहां से संगठित होके रहना चाहिए, यूनिटी में रहना चाहिए कि छोड़ के चले जाना चाहिए? हाँ, यूनिटी में रहना चाहिए, तो चले जाएंगे। अब यहां तो कोई को काम तो नहीं है ना, यहां कहा बाबा के पास कोई काम नहीं है, किसी को इंद्रियों का कोई काम नहीं है, बाबा के पास क्या इंद्रियों का काम, कोई काम है? बस बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा को देखेंगे, ये कोई काम हुआ है? नहीं, तो बाबा से बात करेंगे, कुछ बात आएगी तो ये कोई काम थोड़े हुआ, नहीं, कुछ भी यहां काम नहीं है। अच्छा, तुम क्या खाओगे और बाबा क्या खाएंगे? कुछ काम नहीं होगा और यहां ही सब बच्चे बैठे रहेंगे तो फिर ये खाना पीना कैसे चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? बैठे बैठे चले जाएगा? नहीं चलेगा। कुछ काम यहां नहीं है, बिल्कुल ही काम नहीं कहिए। क्या सेवा का काम? क्या सेवा? कौन सी सेवा? पहले मनसा की सेवा, मनसा के संकल्पों की सेवा, जिससे अच्छे संकल्प चलें और हम जन्म जन्मांतर अच्छी शूटिंग करते रहें, मनसा के अच्छे अच्छे शुद्ध संकल्पों से है, जन्म जन्मांतर की। क्या ऐसे नहीं सतयुग त्रेता की, द्वापर कलयुग में भी है सुख की शूटिंग कर सकते हैं कि नहीं? मनसा के द्वारा कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा, माया तुमको बैठने देगी नहीं बैठने देगी? बिल्कुल ही। अब बाबा कहते हैं, यहां तो कोई काम नहीं है, बिल्कुल ही काम नहीं कहो, है ना, और फालतू काम में समय गुमाते रहेंगे। क्या? अच्छा, बाबा के पास बैठने के अलावा और सब काम जो हो गए वो फालतू हो गए। क्यों? वो फालतू कैसे? अरे खाना पीना खाएंगे कि नहीं, कपड़े अपड़े साफ करेंगे कि नहीं, क्या वो दूध बन जाएंगे, गंदे गंदे कपड़े पहनते रहेंगे, लंगोटा लगा लेंगे है? फिर फालतू टाइम बर्बाद करते रहेंगे बाहर की दुनिया में जाकर के, बाप के पास से छोड़ करके जाएंगे। अभी देखो यहां कितनी मेहनत है, है? कौन सी मेहनत है? है? हाँ, मनसा की मेहनत, मन को एकाग्र करने की कितनी मेहनत है, इंद्रियों की, कर्मेंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की, नहीं, ये जो मनसा सेट करने की, बाबा के पास मनसा बनी रहे। बाबा ये नहीं कहते कि तुम देह से यहां आकर बैठ जाओ, जैसे क्लास में बहुत ढेर सारे आके बैठ जाते हैं, तो क्या उनको सन्मुख कहेंगे? कहेंगे नहीं? कहेंगे
ताश में देखने के लिए दिखावटी यहाँ बैठे हुए हैं और मन बुद्धि बाहर की दुनिया में भटक रही है। तो फिर सन्मुख हुए या विमुख हुए? विमुख हो गए। तो देखो यहाँ मनसा से बैठने की, नजदीक बैठने की कितनी मेहनत है। तो सुबह को आए करके क्या कहा, सुबह को आए करके 3 बजे उठ करके, क्या कितने बजे उठ कर, 3 बजे उठ करके, हाँ 4 बजे उठ करके, अगर 3 बजे नहीं उठ सकते हो, आकर के बैठ नहीं सकते हो, नींद ज्यादा आती है, तो 4 बजे से, अच्छा 4 बजे उठते हैं ना, पूछा ना लगाई दिया, तो जरूर नहीं उठते होंगे, इसलिए कोई कोई के लिए ना भी लगाई दिया। 4 बजे वहां से उठ करके स्नान, बल्कि आकर के इसके सामने बैठ जावे, स्नान की बात बलि छोड़ दो बाद में कर लेंगे, पहले इसके सामने आकर के बैठ जावे। किसके, इसके माने किसके, जो देहधारी ब्रह्मा है ना, हरि ब्रह्मा कितने हैं, 5 मुख वाली ब्रह्मा, तो 5 शरीर भी होंगे ना, उनमें 4 शरीरधारी तो संगठित हो जाते हैं, इसलिए उनको 4 मुखी ब्रह्मा दिखाते हैं, 4 मुख वाला चतुर्मुखी ब्रह्मा। तो कोई के सामने जाके बैठ जाओ, क्या कोई ऐसे है ना कि कोई किस ब्रह्मा के मोहरा पसंद करते हैं, कोई किस ब्रह्मा का मोहरा पसंद करते हैं, यहां भी कोई होगा ना, यहाँ भी कोई ऐसा होगा वो कहेगा कि हमको तो इस ब्रह्मा का मोहरा बढ़िया पसंद आता, तो बाबा कहते वहां जाके बैठ जाओ मन बुद्धि से, हाँ सामने बैठ जावे, इसके सामने, इसके सामने माने एक के सामने या सबके अलग अलग के सामने, हाँ नहीं चारों के अलग अलग के सामने नहीं बताया, इसके सामने, इसके माने जो 4 मुख वाला संगठित ब्रह्मा का जिसका गायन है, चित्र संपूर्ण स्टेज के बनते हैं के अधूरी स्टेज के बनते हैं, तो जिस ब्रह्मा ने 4 ब्रह्मा को अपने पक्ष में कर लिया, क्या ज्यादा लंबे टाइम के लिए या कभी कभी के लिए, हा दीर्घ टाइम के लिए पुरुषार्थी जीवन में भी, तो इसके सामने जाकर बैठ जावे, बाबा राय देते हैं, हर प्रकार की राय देते हैं, क्या ऐसे नहीं एक तरह की राय देंगे, अनेक प्रकार के बच्चे हैं तो राय भी अनेक प्रकार की देते हैं। तो वो संगम पर बैठे, अच्छा वो सीढ़ी पर बैठे, हाँ अच्छा इसके आगे बैठ करके बैठे और भी कोई चित्र होगा ना, और भी तो चित्र है, बजाड़ का चित्र है, गोले का चित्र है, और कौन सा चित्र है, और भी चित्र है, त्रिमूर्ति का चित्र है, और कोई चित्र नहीं है, आ लक्ष्मी नारायण का चित्र है, तो ये देखो कृष्ण है, वो 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 है, क्या क्या है, वो कृष्ण है, वो नारायण है, वो आदि नारायण है, और ये शिव बाबा है, आदि नारायण में और ये शिव बाबा में अंतर है या नहीं है? ये शिव बाबा, ये शिव बाबा माने संगम युग में हुआ या सतयुग त्रेता द्वापर कल युग में, शिव बाबा संगम, ये शिव बाबा है, अच्छा उसी चित्र के ऊपर आकर के बैठ जाओ, क्या जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो
उसी चित्र के ऊपर आकर बैठ जाओ। अब उसी तो नजदीक वाले के लिए कहा जाता है, तो ये शिव बाबा बोला ना, तो ये शिव बाबा के पास आकर के बैठ जाओ। तो बाबा मना तो नहीं करते हैं क्या? मामा बाबा मना करते हैं कि मेरे पास आकर के नहीं बैठो, भाग जाओ? मना करते हैं किसको? देह को या आत्मा को? अरे देह अलग चीज, वो तो विनाशी चीज है, और आत्मा मन बुद्धि, मन बुद्धि तो विनाशी है। तो कहा मन बुद्धि रूपी आत्मा तुम्हारी ज्योति को, ज्योति बिंदु को मना नहीं करते हैं, आ करके बैठ जाओ, तुम्हारी बड़ी उन्नति होगी। क्या चंचलता पूर्वक नहीं बैठ जाओ, घड़ी घड़ी यहां, घड़ी घड़ी वहां, घड़ी घड़ी यहां, घड़ी घड़ी वहां, ऐसे नहीं। आ करके एक घंटा, कितना बताया? एक घंटा यहां, इतना 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 मन बुद्धि से एकाग्र होकर के बैठना, ये कोई मासी का घर है क्या? ऐसा है कोई? कोई मन बुद्धि से लगातार बाबा के पास ही बैठा रहे और कोई देहधारी याद ही ना आवे, ऐसा होता है? अभी तक होता है ऐसा? अभी तक तो बाबा कहते हैं अगर ऐसा करेंगे तो तुम्हारी बड़ी उन्नति होगी। बड़ी उन्नति माने? हाँ, ऐसे नहीं कि जो नीची वाली सीढ़ी है वहीं तक चढ़ पाएंगे, या मध्यम सीढ़ियां हैं द्वापर युग की वहीं तक चढ़ पाएंगे, नहीं त्रेता युग की सीढ़ियां हैं वहां तक चढ़ पाएंगे, नहीं। बड़ी उन्नति माने कहां तक पहुंचेंगे? एकदम ऊपर की उन्नत सीढ़ी पर पहुंचेंगे। अभी राय देते हैं ना बाबा, राय देते हैं। अब बाबा तो राय देते हैं, फिर करेंगे थोड़े ही कोई। बाबा कहते राय देते हैं कि एक घंटे आकर बैठ गया, बैठ जाओ मन बुद्धि से। क्या तिरकनी बुद्धि से? नहीं, घड़ी घड़ी बंदर हनुमान की तरह, जैसे वो अर्जुन की रथ के ऊपर ध्वजा दिखाते हैं ना, वो रथ दौड़ता है तो ध्वजा क्या करती है? चंचलता करती है कि नहीं? और कितना हिलती है डुलती है। बताया वो बंदर बैठा हुआ है ध्वजा के ऊपर, वो नहीं, ऐसे नहीं, एकाग्र हो करके ऐसे कोई बैठेंगे थोड़ी, फिर बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या ऐसे बैठ जाए ऐसे कोई, बिल्कुल नहीं करेंगे, फिर अभिशाप दे दिया। ऐसे बीच बीच में दुर्वासा क्यों बन जाते हैं, ये किसने बोला? हाँ, वो देहधारी में प्रवेश करते हैं ना, तो वो भी तो बीच बीच में इंटरफियर करके बोलता है, तो वो ऐसी खराब बात बोल देता है, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं बैठेंगे एक घंटे लगातार। अरे कोई पुरुषार्थ करे, कोई पावरफुल धर्म पिता हो, मान लो इब्राहिम हो, क्राइस्ट हो, जिसके 250-200 करोड़ फॉलोअर्स बन जाते हैं इस दुनिया में, 500-700 करोड़ की दुनिया में, इतना पावरफुल धर्म पिता हो, तो वो एक घंटे लगातार बाबा के पास नहीं बैठ सकता? आखिर में दुनिया पहचानेगी तो ना, सभी पहचानेगी, तो वो नहीं बैठ सकता? अगर पहचानेगा नहीं है तो वो उनकी सदगति, उनकी जीवन मुक्ति होगी? एक जन्म की जीवन मुक्ति होगी? होगी नहीं होगी? तो बताया बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे कितने भी पावरफुल से पावरफुल धर्म पिताएं हो, एक घंटा लगातार वो बाबा के सन्मुख हो करके मनसा से बुद्धि से बैठ जाएं, बिल्कुल नहीं करेंगे। राय तो बाबा बहुत अच्छी देते हैं। क्या के खराब राय देते हैं कि एक घंटे आकर बैठ जाओ? खराब राय दी? नहीं, बहुत अच्छी राय दी। तो जो राय देते हैं उनसे उनका चार्ट अच्छा बढ़ जाएगा। क्या कौन राय देते हैं? सुप्रीम सोल, हेवनली गॉडफादर राय देते हैं,
जो आत्माओं का बाप परम पिता है, परम पुरुष है, वो राय देते हैं, हैं? उनसे उनका चार्ट अच्छा पड़ जाएगा। फिर वो दिया उनसे, क्या उनसे माने किन से, जो राय देते हैं, निराकार हैं, साकार तन में आकर के बैठते हैं, हैं? उनसे उनका चार्ट अच्छा पड़ जाएगा। किन से, उनसे, उनसे माने एक से या दो से, दो से, निराकार और साकार का कंबाइंड रूप हो गया ना, तो उनसे भी उनका चार्ट अच्छा बढ़ जाएगा। कितना अच्छा चार्ट, अरे निराकार तो सदा एकाग्र रहता ही है, 24 घंटे एकाग्र रहता है कि कभी बुद्धि एक सेकंड के लिए भी विचलित होती है, निराकार ज्योति बिंदु परम पिता परम पुरुष उसकी बुद्धि विचलित होती है वो कि अरे नहान ना क्या हो गया, हाँ विचलित होती है। और निराकार ज्योति बिंदु शिव जो परम पुरुष परम पिता कहा जाता है, हेवनली गॉड फादर, उसकी बुद्धि विचलित होती है, उसकी तो नहीं, हाँ जिसे मैं प्रवेश करता है उसकी बुद्धि पुरुषार्थ जीवन में विचलित तो होती है। और जब पुरुषार्थ एक घंटे का संपन्न हो जाएगा, कैसा, एकदम बुद्धि क्या, हाँ बाप और दादा के सान्निध्य से टूटे ही नहीं, एक सेकंड भी न टूटे, बाप दादा के पास ही बैठा, बाप माने शिव और दादा माने जिस तन में प्रवेश करते हैं वो है। तो चार्ट उसका कितना, उनका कितना अच्छा हो जाएगा, ऐसे अगर कोई निकले तो बहुत जमा हो जाएगा। बहुत माने कितना, दुनिया में जो बड़े बड़े पावरफुल गाए जाते हैं, हाँ उनसे भी अच्छा, कौन कौन पावरफुल, पुरुषोत्तम आदि नारायण है, और फिर त्रेता में राम है ना, और द्वापर में कौन, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट, और कलयुग में उनके सहयोगी धर्म पिता, बहुत गायन है ना उनका, बहुत ऊंचे माने जाते हैं कि दुनिया में नीचे माने जाते हैं, बहुत ऊंचे, तो उनसे भी ऊंचा बहुत पार्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा चार्ट बनेगा। अगर राय पर नहीं चलेगा तो फिर जमा नहीं होगा, क्या होगा, जमा कब होगा, जब राय पर चलेगा। राय बहादुर साहब बोल रहे हैं, कौन हुए राय बहादुर, हा जिसे में प्रवेश करते हैं तो राय बहादुर हुआ ना, हा तो जमा नहीं होगा, अभी सर्विस का तो बात ही नहीं है ना, कहा अभी माने कहा, अभी जब बाबा के पास बैठे हैं तो सर्विस की बात है नहीं, क्यों सर्विस की बात क्यों नहीं, बाबा बोलता यहां बैठो, वहां बाहर की दुनिया में न जाओ मेरे पास बैठो, बोलता है यहां बैठो, बाबा 6:30-7 बजे आते हैं क्लास में, तुम 4 बजे उठो, क्लास में आते हैं तो वो तो संगठन क्लास है, ढेर सारे लोग होते हैं बाबा के पास बैठने वाले, उसमें तो हमारी कोई स्पेशलिटी हुई नहीं हुई, तो सवेरे 4 बजे उठो, अरे तुम वहां अपनी कोठरी में क्यों बैठते हो, है? तुम वहां अपनी कोठरी में क्यों बैठते हो, यहां आकर के बैठो ना, लो अब एक है बाबा का बच्चा जो बाबा के सामने आकर के
कोठरी में से निकल करके बैठे या कोई और भी है, है कि नहीं? हाँ। तो क्या कहा, बैठेंगे मन बुद्धि से बैठेंगे? अच्छा, कर्मेंद्रियों से कर्म करते देह के साथ नहीं बैठेंगे? आंखों से देखेंगे नहीं बाबा को? कैसे देखेंगे? कोई बात आएगी और तो कोई बात सुनेंगे नहीं बाबा की कान से? सुनेंगे ना। तो बोला, यहां आकर के बैठो, अपनी कोठरी में क्यों बैठते हो, यहां आकर के बैठो, बस यही ख्यालात से बैठो कि मैं यहां बाबा के पास आता हूं। है? कहां आता हूं? यहां बाबा के पास आता हूं। बाबा के पास आता हूं मैंने, बाबा के पास आता हूं कि आती हूं? आत्मा, आत्मा तो पुरुष है ना। हाँ, बाबा के पास आता हूं। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। अरे ये भी याद दिलाई दिया, क्या हम सिर्फ आत्मा नहीं है? आत्मा और शरीर का संगम है या नहीं है? संगम पर बैठे हैं कि सिर्फ आत्मा आगे बैठे हमेशा और शरीर के साथ कभी ना बैठे, ऐसे नहीं, संगम युग है, संगम पर बैठे हैं हम, बाबा को याद कर रहे हैं। हम माने क्यों? हम माने एक या दो? एक हम माने, दो कौन और एक कौन? हम बाबा को याद कर रहे हैं, हम माने दो या एक, कौन कौन लिखो? हम माने दो या एक? हम माने आत्मा और हम माने शरीर, जीवात्मा। हम माने आत्मा और दूसरा जीवात्मा, जीवित आत्मा। जीवित आत्मा किसे कहेंगे? शरीर के साथ बिना शरीर का जीवित। तो बताया, हम बाबा को याद कर रहे हैं कि कर रहा हूं, हम बाबा को याद कर रहे हैं और याद करते 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 हम सतोप्रदान बन जाएगा। क्या कहा, सतोप्रदान कब बनेगा? शरीर से सेवा करते करते सतोप्रधान बनेगा या सिर्फ याद करते करते सतोप्रधान बनेगा? अंत में जब जोर से विनाश होगा तो तुम माउंट आबू में बैठे बैठे सेवा करेंगे, भागदौड़ करके कर्मेंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान सुनाएंगे, मुख से ज्ञान सुनाएंगे, ज्ञान का लेन देन करेंगे कानों से मुख से, या तपस्या करेंगे। है? सतोप्रधान कब बनेंगे? सतोप्रधान कौन से युग में बनते हैं सतोप्रधान? है? एकदम सतोप्रधान कौन से युग में, कौन से जन्म में? हा, एकदम सतोप्रधानता होती है सतयुग के आदिकाल में, जिसे कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। उससे जास्ती सतोप्रधानता और कहीं किसी की होती है। तुम सतो प्रधान बन जाएगा। ओम शांति।